हर हर महादेव शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि पहले के जमाने में यह कहते थे, जो कि आज भी यही सत्य है, सावन के पहले बारिश से पहले वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है। घास फूस में छोटे छोटे जीव जंतु और अन्य तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु फैले हुए रहते हैं, जिससे हमारी गौ माता वही घास को खाती है और उसके बाद जब वह दूध देती है तो वह दूध काफी रूप में जहरीला हो जाता है, जिससे कई अन्य तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। तो एक कारण तो यह हो जाता है, जिसके कारण पहले के जमाने से ही उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता था। और कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उस समुद्र मंथन से विष निकला था, जिसके लिए सभी देवी देवता शंकर भगवान को आगे किए कि इस विष को सिर्फ और सिर्फ महादेव ही पी सकते हैं, क्योंकि और कोई देवी देवता इसे पीकर इसका ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर जब शंकर भगवान ने विष को पी लिया, तब उनके गले में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी। वह ताप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शंकर भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब सभी देवी देवता कई प्रकार की चीज़ें खिलाने और पिलाने लगे, जिसमें से दूध ने भी अपना मुख्य रोल निभाया था। जब सभी देवी देवता शंकर भगवान को दूध पीने को बोले, तब जब शंकर भगवान ने दूध को पिया और ढेर सारे दूध को उन्होंने जब पिया, तब उनके गले की जलन शांत हो गई और उनका ताप जो असहनीय था, तब वह सहनीय हो गया और उस दूध से शंकर भगवान के विष के द्वारा ताप हो रहे गले में शांति मिल गई, राहत हो गई, जिसके कारण उस जमाने से शिवलिंग पर दूध का अभिषेक किया जाता है। तब से ही दूध शंकर भगवान को बेहद प्रिय हो गई और हम हर सावन में शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करते हैं। यह जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव।